दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेबल जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इनको मैं स्टेबल जीके इसलिए कहूँगा क्योंकि फ्यूचर में इन क्वेश्चंस में बदलाव आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के जोहान बोथा ने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब है सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार परेड का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 1955 को। इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो थे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जी, जो कि पाकिस्तान से थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों को अपने घर या ऑफिस में गणतंत्र दिवस के अलावा तिरंगा फहराने की आज़ादी कब मिली? तो इसका सही जवाब है 2004 में। तो दोस्तों सन 2004 से पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर या ऑफिस में राष्ट्रीय दिवस के अलावा किसी और दिवस पर झंडा नहीं लहरा सकता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को रात में फहराने का अधिकार कब मिला? तो इसका सही जवाब है सन 2009। सन 2009 से पहले तिरंगे को सिर्फ दिन में ही फहराया जा सकता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत रत्न, ये पीपल के पत्ते की शेप में होता है और जिस पर लिखा होता है भारत रत्न। तो दोस्तों याद रखना कि इसकी शेप पीपल के पत्ते जैसी होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है 2 जनवरी 1954। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका सही जवाब है 21 तोपों की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराता है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, आप हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराता है और स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो अगर गणतंत्र दिवस पूछा जाए तो आपका जवाब राष्ट्रपति होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही जवाब है 24 तीलियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा जिसका जवाब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर अमित ने बिल्कुल सही दिया था। सभी व्यूअर का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि इस बार पहले से बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और मुझे भी इससे हौसला मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस से संबंधित 29 जनवरी के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बीटिंग रिट्रीट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीटिंग रिट्रीट सेना की कैंप वापसी का प्रतीक होता है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन है, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।